हेलो वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स, पापा की परियों एंड मम्मी के मगरमच्छों और सभी दोस्त भाइयों बहनों, आपका वीडियो में स्वागत है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कंडक्टर से के कंडक्टर्स हैं, उसमें चार्ज अपने आप को रीअरेंज कर रहे हैं, सर्फेस ऑफ कंडक्टर पहुंच रहे हैं, इसका क्या रीजन है, बने रही है वीडियो मेरे साथ। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि चार्ज फ्री इलेक्ट्रॉन्स और कह सकते हैं निगेटिव चार्ज से फ्री इलेक्ट्रॉन्स बोल रहा हूँ, चार्ज पॉजिटिव हो सकते हैं, मेटल्स और कंडक्टर्स में फ्री होते हैं। तो ये क्या करते हैं, जब फ्री हैं तो मूव कर सकते हैं और हर चार्ज एक दूसरे पे फोर्स लगाता है, दैट इज फोर्स ऑफ रिपल्सन। ये आपको पता है कि सेम चार्ज रिपेल ईच अदर, तो ये फोर्स एक दूसरे पे लगाते लगाते कहाँ तक पहुंच जाते हैं, ये सरफेस ऑफ कंडक्टर तक पहुंच जाते हैं। अब इसके बाहर क्यों नहीं जा पाते, इसके बाहर इसलिए नहीं जा पाते कि इसके बाहर क्या है, एयर। और एयर क्या होती है आप सबको पता है, एयर इज ए इंसुलेटर, और डायलेक्ट्रिक वर्ड हम यूज कर सकते हैं, बेटर वर्ड इज डायलेक्ट्रिक। और इस एयर में चार्ज मूव जनरली नहीं कर सकते, वर्ड में बोल रहा हूँ जनरली नहीं कर सकते, लेकिन अगर इन चार्ज पर जो फोर्स है, इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है आप सबको याद रखना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड और कुछ नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड इज फोर्स, ओके। मैग्नेटिक फील्ड क्या है, मैग्नेटिक फील्ड फोर्स है, ग्रेविटेशनल फील्ड क्या है, ग्रेविटेशनल फील्ड भी एक फोर्स है। तो अगर इस चार्ज पर 3×10⁶ न्यूटन पर कूलम्ब फोर्स लगा दी जाए तो ये चार्ज भी एयर में आ जाए, निकलकर बाहर आ जाएंगे। और जो एयर के मॉलिक्यूल्स हैं जो प्रेजेंट है हमारे एटमॉस्फेयर में, मॉलिक्यूल्स और एटम, उससे ये बड़ी तेजी से हिट करेंगे, और हिट करने के बाद क्या होगा, हीट डेवलप होगी, और हीट डेवलप होगी तो उसी को हम लोग किस फॉर्म में देखते हैं, स्पार्क के फॉर्म में देखते हैं। आपने देखा होगा हाई वोल्टेज पिलर पर स्पार्क होते हुए, और कुछ नहीं है, चार्ज एयर में आ रहे हैं और एयर के जो मॉलिक्यूल्स हैं उसको हम लोग उसको वो हिट कर रहे हैं, और जिस कारण से वो आप स्पार्क को देख रहे हो। तो अगर आपके पास क्वेश्चन आता है व्हाई द चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट देमसेल्फ इन ए कंडक्टर, तो मे पॉसिबल आपका आंसर ये हो, ड्यू टू फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन द चार्जेस। ठीक है, ये आंसर सही है, लेकिन ये आंसर 100% अगर ट्रू बोला जाए तो 100% ट्रू भी नहीं है, बट ट्रू है, लेकिन 100% ट्रू क्यों नहीं है, तो इसको मैं कुछ इस एग्जांपल समझाना चाहूंगा। यहाँ पे आप स्क्रीन पे ये पोजीशन गर्ल्स की देख सकते हैं, ये दौड़ रही है। अगर आप दौड़ रहे हो तो खड़े रहना पसंद करोगे, थोड़ी देर बाद खड़े हो जाओगे, खड़े रहोगे थोड़ी देर के बाद फिर क्या है, आप बैठ जाओगे, बैठ जाओगे उसके बाद थोड़ी देर के बाद क्या होगा, आप लेट जाओगे। जिस तरह स्टूडेंट्स भी क्या होते हैं, देखो ये गर्ल्स कितनी पढ़ने वाली पढ़ाकू गर्ल है, चलते चलते पढ़ रही है, दौड़ते हुए कह सकते हो पढ़ रही है, आफ्टर दैट फिर खड़े होके ही पढ़ रही है, रुक गई, आफ्टर दैट बैठ के पढ़ रही है, आफ्टर दैट ना बैठी ना लेटी, आधा बैठी आधा लेटी पढ़ रही है, और फाइनली ये पसर गई। तो फाइनली ये क्या होता है, हाई एनर्जी स्टेट, दौड़ रहा है हाई एनर्जी स्टेट है, उससे कम एनर्जी स्टेट कौन सा हुआ, खड़े रहने का, उसके कम एनर्जी स्टेट कौन सा हुआ, बैठ जाने का, और फाइनली सबसे कम एनर्जी स्टेट कौन सा है, लो एनर्जी स्टेट। तो यही रूल हमारे फिजिक्स में ही फॉलो होता है, चाहे वो इलेक्ट्रॉन के साथ हो या ह्यूमन के साथ, जब इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिलती है, चार्ज को एनर्जी मिलती है तो वो हायर एनर्जी स्टेट में रहते हैं, और जैसे ही एनर्जी आउट हो जाती है तो लोअर एनर्जी स्टेट में आ जाते हैं। तो हर कोई इस पूरे वर्ल्ड में फिजिक्स के एक ही रूल है, अपने लोअर एनर्जी स्टेट में रहना चाहता है, तो यही चार्ज भी फॉलो करता है। तो ये जो चार्ज सत्य पे आ जा रहे हैं, बार बार मैं चार्ज को डबल करके भी दिखा रहा हूँ, ये चार्ज जो सतह पे आ रहे हैं क्यों आ रहे हैं, एक्चुअली अपने मिनिमम एनर्जी स्टेट पे जाना चाहते हैं, इसलिए मिनिमम एनर्जी स्टेट पे जाना चाहते हैं, इसलिए सरफेस पे निकलकर ये सरफेस पर पहुंच रहे हैं। तो जो बेसिक कॉज है, रूट कॉज है, रूट कॉज ये है कि ये जो चार्ज अपने मिनिमम एनर्जी स्टेट पे जाना चाहते हैं, जैसे एक बैलून है, गैस का बैलून, आपने उसे छोड़ दिया, अब ये छोड़ दिया तो ऊपर की तरफ जाता है अपवर्ड, इसका मतलब ये अपवर्ड जा रहा है, इसका जो लोअर एनर्जी स्टेट है अपवर्ड, क्योंकि इसमें हीलियम गैस भरी रहती है। जबकि एक बॉल को आपने ऊपर थ्रो किया तो बॉल नीचे आ रही जमीन की तरफ, और अगर अपने कुएं के ऊपर फेंकी ये बॉल को तो क्या होगा, वो और नीचे चली जाएगी, क्यों, क्योंकि इस बॉल का एनर्जी, लोअर एनर्जी स्टेट जितना नीचे अंदर की तरफ, ये वेल की तरफ मूव कर जाएगी, तब इसका लोअर एनर्जी स्टेट मिलेगा। तो हर इलेक्ट्रॉन हो या फिर कोई चार्ज हो या फिर ह्यूमन हो, हर कोई अपने लोअर एनर्जी स्टेट पे जाता है। तो इसका जो मेन आंसर है कि एवरी चार्ज वांट टू गेट इट्स लोअर एनर्जी स्टेट सो दैट इट मूव्स अवे ड्यू टू फोर्स ऑफ रिपल्सन, ये अपनी पोजीशन को चेंज करते हुए अपने लोअर एनर्जी स्टेट को गेन करना चाहता है। तो इसका रूट कॉज ये है। तो आई होप ये क्लियर होगा। दूसरा क्वेश्चन इस पे ये भी देखा जा सकता है, हाउ डे दे डिसाइड, मीन्स चार्ज कैसे डिसाइड करते हैं कितनी डिस्टेंस पर है।
ये चार्ज कितनी डिस्टेंस होगा अगले चार्ज से, ये चार्ज कितनी डिस्टेंस पे होगा अगले चार्ज से, इसका बहुत एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि कैसे डिसाइड करते हैं। इस चार्ज पे लगने वाली जो फोर्स है, इस चार्ज पे लगने वाली जो फोर्स है, ये सारे क्या करें, एक दूसरे को बैलेंस करते हैं ये फोर्स। तो इसको हम कह सकते हैं ये कहां रहेंगे, रिमेन एट ए डिस्टेंस, उस डिस्टेंस पे रहेंगे, ठीक है। सो दैट नेट फोर्स ऑन द चार्ज इज सेम, यहाँ पे इस चार्ज पे लगने वाली नेट फोर्स क्या हो, हर डायरेक्शन में सेम है, तभी ये स्टेबल रह सकता है। तो आई होप आपको जो रूट कॉज होगा उसका पता चला होगा, अदरवाइज मैक्सिमम बुक्स में ये लिखा होगा कि ड्यू टू फोर्स ऑफ रिपल्सन ये अपने सतह पे आ जाते हैं, ठीक है, ये भी सही है, मैं गलत नहीं बोला, लेकिन मेन कॉज है एक्चुअली जो आने का, ये अपनी लोअर एनर्जी स्टेट को गेन करना चाहते हैं, इसलिए फोर्स ऑफ रिपल्सन का इसकी हेल्प करती है और वो इनको एज मच एज पॉसिबल दूर पहुंचा देती है। दूर कहां तक, सरफेस ऑफ द कंडक्टर, बाहर नहीं जा सकते ड्यू टू एयर। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक, थैंक यू वेरी मच।